मैं बोलूंगा सोच ईमानदार, काम दमदार। आप बोलेंगे फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार भाजपा सरकार बोलना है। सोच ईमानदार, काम दमदार, सोच ईमानदार, काम दमदार, सोच ईमानदार, काम दमदार। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि माननीय हमारे, चलिए सामने देखिए, मैं खिंचवा लूंगा। चलिए, मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का संबोधन होगा। बैठिए अपने स्थान पे, अपने स्थान पे बैठ जाइए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, राधा मोहन जी, जरा कार्यकर्ता बैठ जाए अपने स्थान पे। अध्यक्ष जी का संबोधन एक मिनट बैठ जाओ, एक मिनट, एक मिनट। आदरणीय राधा मोहन जी, एक मिनट, कोई भी खड़ा नहीं होगा, बैठ जाइए, अध्यक्ष जी का संबोधन होगा। डॉक्टर भावना पटेल जी, श्री सूरजपाल जी, श्री सुबोध पारासर जी, जीएम सिंह जी, श्री देवनारायण सिंह जी, श्री वीरेंद्र कुमार पासी जी, श्रीमती रूबी प्रसाद जी, श्री शशिकांत राय जी, श्री प्रमोद कुमार सिंह जी, श्री राजू अहलावत जी, श्री मुकेश दीक्षित जी, श्रीमती गायत्री पारासर जी, श्री मनोज भाटी जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी लौर जी, श्री चौधरी प्रताप सिंह जी, श्री वीरेंद्र सिंह सैथवार जी, श्री आदित्य चौधरी साहब, श्री शुभम गुप्ता जी, आप सभी ने पार्टी की सदस्यता और पार्टी के विचार से आप सब जुड़े हैं। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, मेरे भाई, एक मिनट, आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता के, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के लोकप्रियता के कारण आज समाज के विभिन्न वर्ग के लोग, अन्य पार्टी के लोग आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा आप लोगों ने पकड़ा है। मैं हृदय से सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अपेक्षा करता कि जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, हमारे नेताओं का ईमानदारी, व्यक्तित्व, कृतित्व, जो समाज में प्रतिष्ठा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। एक ईमानदार नेतृत्व, एक परिश्रमी नेतृत्व, और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भर पे भोजन मिले, रहने को छत मिले, 24 घंटा लाइट मिले, सौभाग्य योजना से गैस कनेक्शन मिले, इलाज के लिए उसको फ्री में चिकित्सा मिले और भोजन भी फ्री में मिले, शिक्षा की व्यवस्था, उसके बेटी की शादी हो, ये सपना साकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी, ये सपना भी साकार आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। इसके पहले अटल जी ने किया, राज के अंदर योगी जी कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सपना आज पार्टी की थी कि गुंडा मुक्त एक शासन ऐसा हो जहां पर लोग शांति से रह सकें, सुखी से रह सकें, लोग सम्मान के साथ जी सकें, ऐसी शासन व्यवस्था किसी ने राज्य के अंदर दिया है तो योगी सरकार की है। यानी आज राज्य के अंदर गुंडागर्दी, आतंकवाद, दंगा, फसाद ये साइड में हट गए हैं और मुसलमान, हिंदू समाज के सभी वर्ग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, शांति के मार्ग पर हम आगे बढ़ें और सरकार की समस्त योजना लोगों तक पहुंच रही है,
लोगों के पास तक पहुंच रही, ईमानदारी के साथ जा रहा है, कोई भ्रष्टाचार भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसीलिए राज्य में रहने वाले 24 करोड़ प्रदेशवासी, किसी धर्म के हों, किसी जात के हों, सभी लोग मिलकर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उनकी ईमानदारी, उनकी परिश्रम की पराकाष्ठा पर लोग विश्वास करते हैं और प्रदेश को आगे बढ़ाने, यानी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आम जनमानस आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण उत्तम प्रदेश दिखाई दे रहा है और देश में नंबर एक कई विभागों की योजनाएं जो गरीबों के लिए संचालित है, आज वो एक नंबर एक दिखाई दे रहा है और छवि भी सरकार की अच्छी बनती बन रही है। और आगे भी हम लोग गरीबों का सेवा करेंगे, जो जुड़े हैं लोग, ये सभी भी मैं आग्रह करूंगा कि पार्टी की इच्छा है और आप भी उस भावना के साथ, एक ही लक्ष्य है कि हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश का एक गरीब, ऐसा कोई गरीब ना हो जिसका पक्का मकान ना हो 2024 तक, अभी उसके बाद 2024 तक सभी उत्तर प्रदेश के गरीबों का पक्का मकान, उनके घर तक लाइट, उनका शौचालय, आयुष्मान का कार्ड और शिक्षा भी उनके बेटी बच्चों का भी, शादी की भी जिम्मेवारी सरकार अपना वहन करे, इसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इसी रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। और आप सबसे भी प्रार्थना है, आप सब आए, आपके आने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और ताकतवर होगी और 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ आपके बदौलत हम सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की। आदरणीय प्रभारी जी, राधा मोहन जी, माननीय, मैं आग्रह करूंगा, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी इस अवसर पर उपस्थित हैं, वो भी हम सबको दो शब्द संबोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने विस्तार से आपके सामने बातें रखी हैं। आज इस राज्य के 17 प्रमुख नेता, विभिन्न दलों के और बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। देश के अंदर और इस राज्य में भी मोदी और योगी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही हैं, निश्चित रूप से आम आदमी के बीच एक ईमानदार और दमदार सरकार की छवि स्थापित हुई और लोग मानने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है। और शायद इसी सोच ने इतनी बड़ी संख्या में हमारे विभिन्न दल के नेताओं को प्रेरित किया है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो और यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है। मैं जो लोग भी पार्टी में ज्वाइन किए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज का यह कार्यक्रम यहीं पर पूर्ण होता है। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी लोग ये सामने मीडिया की तरफ से कच्चे पीछे, जहां मीडिया का कैमरा लगा इधर पीछे से निकलेंगे, सामने से, इधर गेट बंद है, अब इधर से सब लोग निकलेंगे। सभी लोग ये सामने गेट खुला हुआ है, मेरे मंच के ठीक सामने इधर से बाहर चलेंगे समर्थक गण अपने सारे, इनके पास दे रहे। ये दे रहे हैं, अरे आपको दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं। और याद कीजिए वो तस्वीरें आपने